नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजनीति में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि राजनीति में कामयाबी के लिए चर्चा, पर्चा, खर्चा बेहद जरूरी होता है। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो राजनीति के सफर पर कामयाब हो जाएगा। चर्चा मतलब पब्लिसिटी, पर्चा यानी कि विचारधारा और खर्चा यानी कि फंडिंग। और अगर हाल ही की राजनीति को देखें तो असदुद्दीन ओवैसी के पास ये तीनों फैक्टर्स मौजूद हैं। वैसे उन्हें खुशकिस्मत नेता ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस चर्चा के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो उन्हें बगैर किसी मेहनत के मिल रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अगर आपको किसी से खतरा हो तो बेहतर होगा कि आप उसे अपने लिए खतरनाक ना माने, बल्कि ऐसी राजनीतिक चाल चले, ऐसा माहौल बनाए कि जनता को लगे यही हमारा भगवान है। और इसको चरितार्थ करने के लिए ओवैसी का नारा है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये ओवैसी की राजनीतिक चाल ही है कि आज हर चुनाव में पार्टी ओवैसी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। अब जरा समझिए, जो ओवैसी कुछ साल पहले तक केवल अपने पैदाइशी राज्य आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना में हैदराबाद शहर की 1 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों से कभी आगे नहीं बढ़ सके, वो ओवैसी अब महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। जिन राज्यों में अब पार्टियां हार रही हैं, वो अपनी हार का ठीकरा ओवैसी पर फोड़ रही हैं। लेकिन अब ओवैसी ने डरे हुए दलों को और डराने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर करते हैं फोकस, बेहतर स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवारों की करते हैं खोज। किसी भी राज्य में चुनाव के वक्त ओवैसी पूरे राज्य की सीटों पर फोकस न करते हुए सबसे पहले मुस्लिम बहुल सीटों का चयन करते हैं। उसके बाद ओवैसी देखते हैं कि इन सीटों पर पिछली बार किन मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता या जीतने के करीब रहे। उसके बाद ओवैसी उन सीटों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों की खोज करते हैं। जिन दो राज्य महाराष्ट्र और बिहार में ओवैसी को कामयाबी मिली है, उन राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार स्थानीय थे। जहां ओवैसी ने अपने नाम पर, अपने दम पर चुनाव जिताने की कोशिश की, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र और बिहार में स्थानीय उम्मीदवारों का दिखा था जलवा। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में 44 और बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से महाराष्ट्र की 35 और बिहार की 14 सीटों पर ओवैसी को हार का सामना करना पड़ा। वजह थी कि इन सीटों पर लोकल उम्मीदवार ना होने के चलते ओवैसी का जादू नहीं चला था। लेकिन महाराष्ट्र की 2 और बिहार की जिन 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, उन सीटों पर जीते हुए ज्यादातर चेहरे पहले भी उन्हीं सीटों पर अलग अलग दलों से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे प्रभावी चेहरों का किसी भी दल से टिकट लेकर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अगर ओवैसी अपने दम पर चुनाव जिताने की काबिलियत नहीं रखते हैं, तो फिर दूसरे दलों के अंदर उनका इतना खौफ क्यों है? तो इसका सीधा सा एक जवाब है कि ओवैसी भले ही सीटें ना जीत पाए, लेकिन राज्य में उनकी मौजूदगी मात्र से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का माहौल बन जाता है। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटर उनकी तरफ चले जाते हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो जाता है। वैसे इसका अपवाद भी है। असम, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में जब ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, तब उन चुनावों में भी बीजेपी के मुकाबले बाकी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा भी नहीं है कि ओवैसी को मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जीत मिलती, कम से कम जमानत तो जब्त नहीं होती और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट भी कहीं ज्यादा होता। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये तो सच है कि ओवैसी वोटों में ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन पार्टियों को हार केवल ओवैसी की वजह से मिलती है, ये भी गलत है। हकीकत तो यह है कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी से मिली हार का कारण ही नहीं खोज पा रही हैं और हार का ठीकरा ओवैसी के सिर फोड़ देती हैं। तो दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।